चलिए हम लोग देखते हैं केसी सिन्हा सर के बुक का सॉल्यूशन आईटीएफ का। तो 4 नंबर के 3 तक हो चुका था। अब 4 का हम लोग देखेंगे 4 नंबर। तो कॉट इन्वर्स कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स फिर प्लस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और नीचे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखिए प्रॉब्लम का नाम जो है वो है स्क्वायर रूट, यानी पहले आपको स्क्वायर रूट को हटाना होगा और स्क्वायर रूट के अंदर में ट्रिगो है तो सब्टिट्यूशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो काम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, साइन के आगे अगर प्लस है तो आप कॉस को याद करें, एंगल का आधा प्लस साइन एंगल का आधा, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं सी प्लस एस। अगर मान के चलिए कि अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और ये हो जाएगा आपका सी माइनस एस। खैर इसमें मॉड आता है, मॉड आता है, सही ये है मॉडलस देके, लेकिन हम लोग अभी सी प्लस एस से ही काम करेंगे। तो कॉट इन्वर्स अब ये बताइए, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी प्लस एस प्लस सी माइनस एस और नीचे में सी प्लस एस सी माइनस एस। ये आपका साइन साइन ख़त्म और इधर से आपका ये कॉस और कॉस ख़त्म, तो बच जाएगा कॉट इन्वर्स 2c/2s। फिर ये 2 और ये 2 ख़त्म, क्या बचा कॉस बाय साइन, सी से कॉस कॉस एक्स बाई टू ध्यान रखना है। तो फाइनली हम क्या लिखने वाले हैं, कॉट इन्वर्स कॉस एक्स बाई टू और नीचे में हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू। स्क्वायर रूट हट चुका है और कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो कॉट एक्स बाई टू ये घर चला गया तो एक्स बाई टू ये आपका आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 4 का 5 नंबर, कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस x² + 1 और नीचे में ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस x². इतना समझ जाइए कि प्रॉब्लम का नाम स्क्वायर रूट है
और स्क्वायर रूट के अंदर में अलजेब्रा बैठा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में अगर अलजेब्रा बैठा हुआ रहे तो बिना सब्टिट्यूशन कोई उपाय आपके पास है नहीं, तो आप यहाँ पे सब्टिट्यूशन कर दें। तो क्या सब्टिट्यूशन होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसमें सब्टिट्यूशन होगा एक्स इक्वल टू टेन थीटा। दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप टेन थीटा रखें, और ये तो अभी ज़रूरत पड़ेगा ये वाला। अगर टेन को हम इस साइड भेज दें तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये आपको लास्ट में इसकी ज़रूरत होगी। जब भी सब्टिट्यूशन करें तो थीटा का भी वैल्यू निकाल लें। तो कॉस इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और नीचे में हो गया ट्वाइस अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक स्क्वायर रूट अभी छूटा हुआ है, उसको हम दे देते हैं। तो चलिए उसको हम दे देते हैं इस कलर से, एक स्क्वायर रूट और छूटा हुआ था। चूँकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में होगा सेक थीटा। तो लिख देते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स अंडर रूट सेक थीटा अब प्लस वन, और नीचे में भी ट्वाइस सेक थीटा। एक स्क्वायर रूट हट गया, एक स्क्वायर रूट हटा। अब हम लोग काम ये करते हैं कि सेक को कॉस में बदल लेते हैं। तो सेक को अगर आप कॉस में बदलिएगा तो कॉस इनवर्स वन बाय कॉस थीटा अब प्लस वन, और नीचे में टू बाय कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा अब बाय कॉस थीटा, इसको अगर पलटेंगे तो कॉस थीटा बाई टू होगा। अभी भी स्क्वायर रूट नहीं हटा है, अभी भी स्क्वायर रूट है, ये कॉस थीटा खत्म। कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा और नीचे में टू। अब ये बताइए कॉस के आगे अगर प्लस है, कॉस के आगे प्लस है तो हम कॉस को याद करेंगे, यहाँ भी दो यहाँ भी दो क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाय टू, और नीचे में कितना दो, ये दो और ये दो ख़त्म, ये वाला स्क्वायर और ये रूट ख़त्म। फाइनली जो आपके पास आया वो आया है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाय टू, ये दोनों घर गया थीटा बाय टू, और थीटा के जगह पे आपको रखना था टेन इनवर्स एक्स और नीचे में कितना, ये हो गया आपका पांचवा। फिर चौथा का छठा नंबर टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, और नीचे में अंडर रूट वन प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम का नाम स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के अंदर सब्टिट्यूशन है। अगर ऐसा कुछ रहे प्लस और माइनस दोनों रहे तो हम बताए थे सब्टिट्यूशन x इक्वल टू a cos थीटा, तो a का वैल्यू तो 1 है तो cos 2 थीटा।
दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप लिख दें cos 2 थीटा, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो इसीलिए cos इनवर्स x और नीचे में कितना 2 बराबर कितना थीटा, ये आप लास्ट में इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब रखते हैं इसमें, तो टेन इनवर्स वन प्लस कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा, और नीचे में वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। तो आपको बताया गया था कि कॉस के आगे अगर प्लस है तो कॉस को याद करते हैं, अंडर रूट टू कॉस थीटा माइनस अंडर रूट टू साइन थीटा, और नीचे में अंडर रूट टू कॉस थीटा प्लस अंडर रूट टू साइन थीटा। इस बात का ध्यान रखना है कि अब जो है वो अंडर रूट टू जो है वो कट जाएगा। अंडर रूट टू क्या हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट टू ये सब कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर में जो बचने वाला है वो ऐसा कुछ बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक काम आप कर चुके हैं, स्क्वायर रूट से मुक्ति मिल चुका है। फिर अब बाहर वाला चिल्ला टेन चिल्ला रहा है मेरे जैसा बनो, तो भैया टेन जैसा बनने के लिए पहले यहाँ क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए। तो आप अब ये समझ जाइए कि सी माइनस एस और सी प्लस एस बराबर होता है टेन पैंतालीस माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या रख दें, टेन इनवर्स और टेन पैंतालीस माइनस थीटा, ये दोनों घर चला गया, तो पैंतालीस माइनस थीटा, और पैंतालीस माइनस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाय टू, ये आपका आंसर हो गया। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी डाउट हो उसको आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं।